नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। विश्व में शांति के भावना को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाली व संस्कृत परंपरा से जुड़े बौद्ध भिक्षुओं और लामाओं को एक छतरी के नीचे लाने के लिए दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बिहार के गया की तस्वीर है और गया में दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। गया के बटपा बौद्ध मठ में आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ आज बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किया है। इसमें पाली व संस्कृत परंपरा से जुड़े बौद्ध भिक्षुओं और लामाओं के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने को लेकर यह सेमिनार आयोजित की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने दो दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया है। पाली व संस्कृत इंटरनेशनल भिक्षु एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम से आयोजित कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के तहत है। इस दौरान धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने स्पीच में विश्व शांति के लिए प्रार्थना किया है, वहीं सभी को एक साथ मिलकर रहने की बात कही है। गया में दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस दौरान बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा क्या कुछ करें, जरा वो सुनिए। तो सेमिनार में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का यह संबोधन आप सुन रहे थे। गया में दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। विश्व शांति को लेकर प्रार्थना भी की है बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने, और साथ ही साथ लोगों को एक साथ एकजुट रहने की अपील भी किया है। गया से आशीष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।